सुबह का खास बुलेटिन शुरू हो गया है, जहां ताजा तरीन खबरों के साथ दिन भर की सुर्खियों पर भी नजर रहेगी। नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। और इस बुलेटिन में खबरें होंगी, नजरिया भी होगा, आपके काम की खबर होगी और देश दुनिया की हलचल पर भी रहेगी नजर। सियासत से लेकर के जुर्म तक और देश से लेकर के समाज तक हर खबर आपके काम की होगी। तो पहली खबर तूफानी बारिश से। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई जिलों पर आसमानी आफत बरसी है, जिसके चलते आम लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हालात बेहद खराब है। हैदराबाद में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री तक हालात पर नजर बनाए हुए हैं। दोनों ही राज्यों में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल अपनी अगली रिपोर्ट में हम आपको हैदराबाद में तबाही का खौफनाक मंजर दिखाने जा रहे हैं, जिसे देख करके आप समझेंगे कि जब आशियाना टूट जाता है, गांव डूबता है, तब सब कुछ कैसे खत्म हो जाता है। हालांकि इस दौरान कुछ देवदूत भी आते हैं, जो जिंदगी को फिर से संवारने में सहारा भी देते हैं। आंध्र प्रदेश पर आफत। तेलंगाना में तैरती मौत। हैदराबाद में सबसे ज्यादा हाहाकार। दक्षिण के दो राज्य कुदरत के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। कहीं मकानों की जल समाधि, कहीं सैलाब से संकट में जिंदगी। दरिया ने हद पार कर दी है और रिहायश का रुख कर लिया है। क्या गांव और क्या शहर, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी, मुसीबत ही मुसीबत। तेलंगाना का हैदराबाद हो या फिर आंध्र प्रदेश का ईस्ट गोदावरी जिला, आसमानी आफत ने ऐसा कहर बरपाया है कि लोग घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। दोनों राज्यों में अब तक 20 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले की है, जहां तेज बारिश ने कई मकानों को अपनी जद में ले लिया। सैलाब ने सब कुछ उजाड़ दिया। कई मजबूत और नए मकानों में देखते ही देखते जल समाधि में। सबसे ज्यादा हाहाकार हैदराबाद में, जहां कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के कई इलाकों का दौरा भी किया और कहा कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की मदद के लिए टीमें भेज चुकी है, जरूरत पड़ी तो और मदद की जाएगी। हजारों बस्तियां खालिस अभी पानी के अंदर है। उस पानी कब जाता पता नहीं। सेलार्स में, हर सेलार में, अपार्टमेंट के सेलार में पानी है। जो घर में रहने वाले उनको पीने का पानी नहीं है, दूध भी नहीं है, खाना भी नहीं है। ये स्थिति है। स्टेट गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर इस रिलीफ एक्टिविटी में हम काम कर रहे हैं। हमारा नेशनल डिजास्टर फोर्स का भी, रिलीफ फोर्स भी आए हुए हैं और दो टीम्स विजयवाड़ा से आए। आज पहले भी एक टीम आए, कुछ जगह मिलिट्री भी काम कर रहे। अमित शाह जी बताए जो हेल्प चाहिए सरकार के लिए, पूरे होम डिपार्टमेंट का जो CRPF है, इसका साथ साथ CSF का फोर्स है, वो लोग भी जरूरत पड़े तो स्टेट गवर्नमेंट को देने के लिए भारत सरकार तैयार है। हैदराबाद में बिगड़ते हालात को देखते हुए सेना को बुला लिया गया है, जो जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कवायद में जुटे हैं। हालांकि अब भी काफी काम करना बाकी है। दोनों राज्यों के हालात पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नजर है। PM ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के हालात को लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और उन्हें राहत बचाव कार्य में पूरी मदद का भरोसा दिया है, ताकि जिंदगी फिर से पटरी पर लौट सके।
प्रभावित परिवारों के साथ मेरी संवेदना है। हैदराबाद से लेकर ईस्ट गोदावरी तक आसमानी आफत ने हाहाकार मचा रखा है। तमाम इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना पहली प्राथमिकता है। इसके लिए सेना से लेकर पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों को लगाया गया है। साथ ही स्थानीय लोगों ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये हाल सिर्फ एक राज्य का नहीं है, बाकी के राज्यों में भी कुछ तस्वीरें इस तरीके की हैं। भारी बारिश ने महाराष्ट्र के कई जिले में हालात बिगाड़ दिए हैं इस वक्त, और सबसे ज्यादा जो असर है वो पुणे पर पड़ा है। हालात को देखते हुए रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, और साथ ही मुंबई, पालघर और पुणे में येलो अलर्ट जारी करके लोगों से सावधान रहने की यहाँ अपील की गई है। महाराष्ट्र के पुणे में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। इसके बाद पुणे सोलापुर हाईवे को बंद करना पड़ा। ओवरफ्लो होने के चलते पुणे के कई बांधों से पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद पंढरपुर में भी बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। तस्वीरें पुणे के इंदापुर की, जहां सैलाब एक शख्स को बाहर ले जाने पर आमादा था। तेज धार में सांसें टूट रही थी। जिंदगी बच पाएगी इसकी उम्मीद भी कम ही थी। इंदापुर बारामती हाईवे पर पानी भरने से हालात बिगड़ गए। सैलाब को पार करने की कोशिश कर रहा बाइक सवार तेज धार में बहने लगा, जिसके बाद जेसीबी की मदद से शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, और आखिरकार इस शख्स को बचा लिया गया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग में रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही मुंबई, पालघर और ठाणे में येलो अलर्ट है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। एहतियात के तौर पर पुणे सोलापुर हाईवे को बंद कर दिया गया है। साउथ कोंकण के रत्नागिरी सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट्स के तरफ अभी इसका रोक रहेगा। अगले 24 घंटों के लिए, 48 आवर्स के लिए इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ में मुंबई, ठाणे, पालघर इनके लिए भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश, तेज हवाओं के साथ में बारिश होने की संभावना है। अगले 12 घंटों में ये सिस्टम अरेबियन सी में जाकर और इंटेंसिफाई होने की संभावना जताई जाती है। ये तस्वीरें पुणे के इंदापुर की है, जहां नीम गांव केतकी में सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी है। लोगों के घरों में पानी ने अपना आशियाना बना लिया है। सड़कों पर गाड़ियां तैरती नजर आ रही है। भारी बारिश के चलते पुणे के कई बांध लबालब भर गए, जिसके बाद अलग अलग बांधों से भीमा नदी में कुल 2,90,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। भीमा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। उधर पुणे के पास पिंपरी चिंचवाड़ में भी मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान की लाइव टीवी पे कीजिए क्लिक, और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।